भारत अजूबों का देश है, जहां अलग अलग शहरों से कई महान लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ है। 100 हाथियों की ताकत से लेकर 200 किलो तक के हथियार से जंग लड़ने जैसे अद्भुत किस्से हम अपनी हिस्ट्री में सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर दूसरे लोगों के मुकाबले फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कई गुना ज्यादा है। हर व्यक्ति अपने टैलेंट को फेमस करने के लिए उसके जरिए रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। कई लोगों के पास जन्म से ही कुछ खास खूबियां हैं, लेकिन कुछ लोग रिकॉर्ड बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। अंतरिक्ष से छलांग लगाने से लेकर अपने शरीर पर आग लगाने तक ऐसे कई खतरनाक, अजीबोगरीब और आश्चर्यचकित कर देने वाले रिकॉर्ड्स गिनीज बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। और ऐसे रिकॉर्ड्स को अंजाम देने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी नहीं कतरा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं भारत के कुछ ऐसे ही अद्भुत रिकॉर्ड्स पर जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। फोटो ऑफ द डे। अपने स्मार्टफोन से सेल्फी लेने का शौक आजकल एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन आपने देखा होगा कई लोगों को फोटो खींचना इतना ज्यादा पसंद होता है कि वो हर मोमेंट पर अपना कैमरा निकालकर छोटे बच्चों से लेकर खाने पीने की चीजों तक का फोटो क्लिक करना शुरू कर देते हैं। इंग्लैंड में रहने वाले मुनीश बंसल का भी फोटो खींचने का शौक था। 16 मई 1996 में जब उनकी बेटी सुमन का जन्म हुआ, तब उन्होंने उसका सबसे पहले फोटो क्लिक किया, ठीक उसी तरह जिस तरह कोई भी दूसरा व्यक्ति करता है। लेकिन उस समय उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि उन्हें अपनी बेटी की जिंदगी में आने वाले हर मोमेंट को कैमरे में कैप्चर कर लेना चाहिए। इसी ख्याल के चलते उन्होंने सुमन का बचपन से रोजाना एक फोटो क्लिक करना शुरू किया और सन 1996 से आज तक वो सुमन का रोजाना एक फोटो क्लिक करते आ रहे हैं और अब तक लगभग 7000 से भी ज्यादा फोटोज खींच चुके हैं। सभी क्लिक किए गए फोटोज सुमन के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर डेट वाइज अपलोडेड हैं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों के चेहरे की बनावट में किस तरह बदलाव आता है, ये देखने की चाहत ने मुनीश के अंदर फोटो खींचने के इस ऑब्सेशन को जन्म दिया और इतने सारे फोटोज से भरा हुआ इनका फैमिली एल्बम अपने आप में यूनिक बन गया। सुमन और उनके पिताजी द्वारा बनाए गए ये रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। फास्टेस्ट टाइपिंग विथ नोज। अगर आप एक लंबे समय से कंप्यूटर पर काम करते आ रहे हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। एक साधारण व्यक्ति कीबोर्ड पर टाइपिंग करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले देवेंद्र सिंह हाथों के साथ साथ अपनी नाक से टाइपिंग करने के लिए भी फेमस हैं। नाक से स्पीड में टाइप करने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। देवेंद्र 103 कैरेक्टर्स मात्र 40.19 सेकंड्स में अपनी नाक से टाइप कर लेते हैं। ये रिकॉर्ड पहले खुर्शीद हुसैन द्वारा बनाया गया था, जिसे देवेंद्र ने 2017 में तोड़ दिया। और अब सोचने वाली बात तो ये है कि ये लोग इस तरह रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रैक्टिस अपने ऑफिस में या सर्दी होने पर तो नहीं करते होंगे। टॉलेस्ट मैन ऑफ इंडिया। मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्मेंद्र कुमार भारत के सबसे लंबे इंसान हैं। इनकी लंबाई 8 फुट 1 इंच है। इतने लंबे होने की वजह से वो साधारण लोगों की तरह चल फिर भी नहीं पाते और साथ ही कमाई के लिए उन्हें जॉब ढूंढने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपनी हाइट की वजह से वो अपने क्षेत्र के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादातर मेलों और सर्कस जैसी जगहों पर बुलाया जाता है। लोग उन्हें अपने साथ खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। 35 साल के धर्मेंद्र कुमार को अपनी लंबाई के चलते अभी तक कोई भी जीवन साथी नहीं मिला है। पेंसिल्स का कलेक्शन। पेंसिल का नाम सुनते ही हमें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। न्यू दिल्ली में रहने वाले तुषार लखनपाल को पेंसिल कलेक्ट करने का ऐसा शौक लगा कि उन्होंने अपने इस शौक को एक रिकॉर्ड में बदल दिया। तुषार 2001 से पेंसिल इकट्ठी कर रहे हैं और अब तक ये कुछ 16,795 पेंसिल एकत्रित कर चुके हैं। पेंसिल के इस शानदार कलेक्शन की सबसे खास बात तो ये है कि इन पेंसिल्स में आपको एक भी पेंसिल की डिजाइन या पेंसिल रिपीट यानी कि एक दूसरे से मिलती जुलती बिल्कुल नहीं मिलेगी। इनके कलेक्शन में लगभग 62 कंट्रीज की अलग अलग पेंसिल शामिल हैं और यही नहीं, इनमें लगभग 50 पेंसिल्स अलग अलग खुशबू वाली हैं, कुछ चम्मच के आकार की, कुछ हीरे वाली, 24 कैरेट गोल्ड की डिजाइनर पेंसिल्स, घर पर पूरी तरह हाथों से बनी पेंसिल्स से लेकर रिसाइकल पेपर से बनी पेंसिल्स भी इनके कलेक्शन में मौजूद हैं। सोप ड्रेस।
फैशन डिजाइनर्स पहनावे के नए नए तरीके सोचने और कपड़ों को अलग अलग तरह से डिजाइन करने के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाली राखी गुप्ता एक ऐसी ही फैशन डिजाइनर हैं, जो कि ड्रेस बनाने के लिए सिर्फ कपड़ों का ही नहीं बल्कि अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। इन्होंने एक 40 इंच लंबी साड़ी साबुन से बनाई। इस साड़ी को बनाने में उन्हें लगभग 10 दिन का समय लगा और इसके लिए उन्होंने 1 लीटर लिक्विड सोप और आधा किलो सोप बार का यूज किया। साबुन के अलावा राखी व्हाइट सीमेंट से टॉप और स्कर्ट और प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी ड्रेसेस बना चुकी हैं। राखी के द्वारा बनाई गई सभी ड्रेसेस आसानी से पहनी भी जा सकती हैं और साथ ही रिसाइकल भी की जा सकती हैं।